अच्छी बिजनेस ग्रोथ से आता है अच्छा रेवेन्यू, लेकिन उसी रेवेन्यू के साथ फिर आता है ज्यादा टैक्स और टैक्स को मैनेज करने की दिक्कतें। वैसे तो एक अच्छा सीए टैक्स फाइल करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस में टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप टैक्स बचाकर अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। टिप नंबर एक, अपने ट्रांजैक्शंस का अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करें। सबसे पहली और जरूरी बात है कि आप अपने बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अच्छे से मेंटेन करें। इससे आपको टैक्स फाइल करने में आसानी रहेगी और आप सही से अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रैक कर पाएंगे। आप चाहें तो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर एक्सेल शीट्स का इस्तेमाल करके अपने ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं और आप उन्हें कैसे सेव कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने रिसीप्ट्स और इनवॉइसेस को भी सही से मेंटेन करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें दिखा सकें और कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो उसे क्लेम कर सकें। टिप नंबर दो, टैक्स डिडक्शंस का फायदा उठाएं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में आपको अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन का ऑप्शन मिलता है। आप अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और ELSS जैसे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स से बचा सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने ऑफिस रेंट, मशीनरी, ट्रैवल कॉस्ट, इंश्योरेंस और दूसरे बिजनेस से जुड़े खर्चों को भी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस लोन लेने से भी आपका टैक्स थोड़ा कम हो जाता है, तो अगर आप बिजनेस लोन लेने के बारे में सोचें तो खाता बुक लोन्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि खाता बुक से लोन लेना आसान होने के साथ साथ फास्ट और सिक्योर भी है। अप्रूवल मिलने के बाद कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे फिर आप 100 रुपए प्रति दिन जितनी कम इंस्टॉलमेंट्स में भी चुका सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और ट्राई कीजिए खाता बुक। टिप नंबर तीन, टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जरूर इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और कुछ पैसे बचा सकते हैं। ऐसी ही कुछ स्कीम्स के एग्जाम्पल हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, नेशनल पेंशन स्कीम NPS और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS। शुरुआत में आप इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं और आगे चलकर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा कि आपके बिजनेस के लिए सूटेबल टैक्स सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी है। टिप नंबर चार, समय पे अपनी टैक्स पेमेंट्स कर दें। समय पे अपने टैक्सेस को फाइल और पे ना करने पर आपको कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, इसीलिए ध्यान रखें कि आपका टैक्स समय पे भर दिया जाए। अगर एक बार में पे करना आपके लिए एक बड़ी रकम बन रही है और आपको मुश्किल आ रही है तो आप अपने टैक्सेस को क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, यानी कि साल में 4 बार। इससे आप आसानी से अपने टैक्सेस भर पाएंगे और आपके बिजनेस का कैश फ्लो भी सही चलता रहेगा। टिप नंबर पांच, एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर लें। अगर आपको अपने टैक्सेस के बारे में ज्यादा समझ नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट आपको आपके टैक्सेस के बारे में गाइड कर देगा और आपको बता देगा कि आप कैसे अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। इन सब टिप्स को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के लिए मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं और अपने बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस के लिए एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें ताकि आपकी टैक्स सेविंग्स की स्ट्रैटेजीज सही तरीके से तैयार हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।